टू साइंस लर्निंग इंस्टीट्यूट। आज हमारा टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स, यानी हमारे जो क्वेश्चन है वो हमें फ्रैक्शन में गिवन होगा और हमें उसमें डेसिमल पॉइंट के साथ आंसर शो करना होगा। सॉल्व करने से पहले मैंने ये बताऊं कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगे तो पहले क्वेश्चन को गौर से देखें, उसको समझें, उसके बाद फिर आप उसके सोल्यूशन पे जाएं। तीन कॉलम्स में मैंने क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन में डिफ्रेंसेस ये है, क्वेश्चन ए बी सी जो है इनके डिनोमिनेटर में 10 है और 1 digit, 2 digit और 3 digit है। फिर क्वेश्चन जो डी ई एफ है इनके सबके डिनोमिनेटर्स में 100 है और 1 digit, 2 digit और 3 digit है। देन जी एच आई ये भी 1 digit, 2 digit और 3 digit के क्वेश्चन है जिसके डिनोमिनेटर में है 1000, ठीक है। और क्वेश्चन में ये इज इक्वल टू भी लिखा हुआ है। मैथ्स में इज इक्वल टू का मतलब है कि ये जो मेरा क्वेश्चन है, जो कि मेरे क्वेश्चन गिवन है फ्रैक्शन में, इसको मैं चेंज कर रही हूँ डेसिमल में, और डेसिमल में जब मैं चेंज करूंगी तो दिस आंसर विल बी सेम एज दिस, यानी कि जो मैं आंसर दे रही हूँ वो या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। जब मैं सॉल्व कर लूंगी तो फिर मैं आपको रीचेक करना भी सिखाऊंगी ताकि आप अपने सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस को चेक कर सके। नाउ क्वेश्चन ए इज 7/10। अब 7/10 को हमने डेसिमल में चेंज करना है तो हम पहले तो डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। डेसिमल पॉइंट जो ये 1 है वो इसको शो कर रहा है, उसके बाद जितने भी 0 हैं आपने उसकी जगह ये नंबर लिखना है जो कि आपका गिवन है। 10 है, हमने 1 digit लिखा। अब क्योंकि जाहिर सी बात है 0.7 तो ऐसे नहीं लिखा जाता, इसलिए इससे पहले हम 0 लिखेंगे। तो 7/10 इज इक्वल टू 0.7। क्वेश्चन बी इज 41/10। अब 41/10 में फिर वही हम करेंगे कि पॉइंट डेसिमल पॉइंट मैंने लगाया। अब डेसिमल पॉइंट ये जो 1 है ये डेसिमल पॉइंट को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद 1 digit है। अब 1 digit में जो यूनिट वाला डिजिट है वो मैं यहां लिख दूंगी। अब क्यों लेफ्ट हैंड साइड भी एक डिजिट है तो हम ये डिजिट हम डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे। 41/10 जो है वो इज इक्वल टू 4.1 है। देन 237/10, फिर वही करेंगे हम। 1 की जगह आपने डेसिमल पॉइंट लिखा, 0 की जगह आपने ये यूनिट में जो गिवन है नंबर वो आपने लिख दिया। उसके बाद आपके पास जो 2 नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे है रिमेनिंग वो आपने एज इट इज कॉपी कर दिया। तो आपका 237/10 जो है वो इज इक्वल टू है 23.7। ये तो हमारे वो से जिनके डिनोमिनेटर में था 10। अब हम उन क्वेश्चंस की तरफ आते हैं जिनके डिनोमिनेटर में है 100। रूल वही आप अप्लाई करेंगे, 1 की जगह आप डेसिमल पॉइंट लिखेंगे। उसके बाद आपके पास 0, 3 है। अब 0 आप एक लगाएंगे और आपके पास यूनिट में जो है वो 3 है तो 3 आप लगा। अब डेसिमल पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो हम इसको 0 लगाएंगे। तो आपका 3/100 जो है वो इज इक्वल्स टू है 0.03। देन 17/100, 1 की जगह आप डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। उसके बाद आपके पास 2 digit की गुंजाइश है, आपके पास यहां 2 digit ही है, दोनों डिजिट्स आप एज इट इज कॉपी करेंगे। तीसरा डिजिट आपके पास नहीं है, आप यहां पर 0 लगाएंगे। तो 17/100 इज इक्वल टू 0.17। नाउ अब ये आप देख रहे हैं 3 नंबर्स नीचे हैं 3 डिजिट्स और 3 ही ऊपर हैं। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, 1 की जगह आपने डेसिमल पॉइंट लगाया, 2 नंबर हैं, आप 2 नंबर पहले लेंगे यूनिट और टेंस के। ये डेसिमल पॉइंट किस तरफ आ गए, ठीक है। अब यहां पर ये यहाँ पर तीसरा नंबर नहीं था तो हमने 0 लगाया था, यहाँ पर तीसरा नंबर हमारे पास 1 है तो यहाँ पर 1 लगाएंगे। तो 129/100 इज इक्वल टू 1.29। नाउ अब ये थर्ड जो रो है उसमें सॉल्व करते हैं। 1/1000 इज इक्वल टू 1 की जगह आपने डेसिमल पॉइंट लिया, ठीक है। उसके बाद आपके पास 1 digit है, यानी इस वाले 0 की जगह आपने 1 digit लगा दिया और आपके पास 2 0 हैं, 2 0 आपके पास ये आ गए। अब पॉइंट से पहले आपके पास कोई नंबर नहीं है तो आप इसको 0 ही लगाएंगे। देन 23/1000, 1 की जगह आपने डेसिमल पॉइंट लगाया, आपके पास 2 digits हैं तो यहाँ पर 3 digits की
गुंजाइश है तो आप एक जीरो लगा के 23 लिख देंगे, एक जीरो लगा के 23 और यहाँ पर ये जीरो आ जाए। देन सेम फॉर्मूला, डेसिमल पॉइंट वन की जगह लगा दिया, तीन नंबर है आपके पास, आपके पास तीन जीरो है, तीनों नंबर आपके एज इट इज कॉपी हो जाएंगे और यहाँ पर जीरो आ जाएगा। अच्छा, अब आपने जब ये सॉल्व कर लिए सारे क्वेश्चंस, तो मैथ्स में एक ट्रिक के जरिए हम ये मालूम कर सकते हैं कि हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है। इसको आंसर्स को रीचेक करते हैं ताकि हमारे हमें पता चले कि हमने सॉल्व सही किया या नहीं किया। नाउ 0.7 रीचेकिंग हो रही है, पॉइंट की जगह वन लगाया, एक डिजिट है, एक डिजिट, ठीक है, पॉइंट रिमूव हो गया, 7/10 हमारा आया। देन 41, 4.1 पॉइंट की जगह वन लगाया, पॉइंट रिमूव हो गया, वन डिजिट है, वन की जगह आपने जीरो लगाया, आपका आंसर आया है अब 41/10। आप ये देख रहे हैं दिस सेम टू दिस एंड दिस सेम टू दिस, ठीक है। इसी तरह से आप सारे क्वेश्चंस को चेक कर सकते हैं। 0.17 को चेक करते हैं हम, पॉइंट की जगह वन, दो डिजिट्स की जगह आपने जीरो, ये आपका खत्म हो गया आपका डेसिमल पॉइंट, तो आपके पास आया 17/100। दिस इज विल बी योर करेक्ट आंसर। 1000 की रो में भी एक इसको रीचेक करते हैं, डेसिमल पॉइंट की जगह वन लगाया, तीन डिजिट्स हैं, तीन जीरो लगाए, तो डेसिमल पॉइंट रिमूव हो गया, हमारा आंसर आया 1/1000। इट इज सेम एज इट इज दिस क्वेश्चन।